हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट एफर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है गॉर्डन कुक और एलान इस्ट। तो ये जो स्टोरी है ये एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन के बारे में है जो कि हमारे स्टोरी के नैरेटर है। और उनकी जो वाइफ है उनका नाम मैरी है, उनके दो बच्चे हैं, उनका बेटा जिसका नाम जोनाथन है जो कि 6 साल का है, और उनकी डॉटर जिसका नाम सुजैन है जो कि 7 साल की है। तो ये जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन जेम्स कुक जो कि एक सेलर थे, बहुत ही फेमस सेलर थे, और उन्होंने 200 साल पहले एक जर्नी की थी और उन्होंने एक सी रूट फाइंड किया था 200 साल पहले इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई जर्नी को डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि वो लोग भी इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या उनका वॉयज जो है वो कम्प्लीट हो पाता है या नहीं, क्या वो लोग कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई जर्नी को डुप्लीकेट कर पाते हैं भी या नहीं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के जो नरेटर है वो 37 इयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है। वो अपनी वाइफ मैरी और अपने दो बच्चे जोनाथन और सुजैन के साथ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं इन जुलाई 1976 में। तो वो लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी प्लाईमाउथ से जो कि इंग्लैंड में है। तो सबसे पहले मैं आपको उनका जर्नी का जो रूट है मैं वो आपको बता दूं ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। तो उनकी जर्नी जो है वो शुरू होती है प्लाईमाउथ से जो कि यूरोप में है, और फिर उनको केप टाउन में जाना था, केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, और वहाँ पर उनको दो प्रोफेशनल सेलर्स जो है वो ज्वाइन करने वाले होते, यानी कि वो दो प्रोफेशनल सेलर्स को हायर करके रखे होते हैं उनको अपनी जर्नी में मदद करने के लिए, ताकि वो उनकी जर्नी में मदद कर सके। और केप टाउन से उन्हें जाना होता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया से उन्हें अमेरिका जाना होता है, फिर अमेरिका से फिर वो लोग वापस इंग्लैंड आएंगे। तो ये पूरी की पूरी उनकी जर्नी की रूट है। तो ये तो था उनका रूट कि यहाँ से यहाँ तक उनको जाना था, और अपनी इस जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने सोचा था कि उनको 3 साल लग जाएंगे। और इस जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस है वो था 1,05,000 किलोमीटर्स, और उनको इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक जाना था, ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न ओशन में है। तो जो सदर्न ओशन होता है, सदर्न इंडियन ओशन, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ओशन है, तो उनको वहाँ तक जाना था। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी के जो नैरेटर हैं जो कि 37 इयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है, वो अपनी वाइफ मैरी और अपने दो बच्चे जोनाथन और सुजैन के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं इन जुलाई 1976 में। तो वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं प्लाईमाउथ से जो कि इंग्लैंड में है, और वो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते थे अराउंड द वर्ल्ड। ये जो जर्नी है अराउंड द वर्ल्ड, इसको ये कंप्लीट करना चाहते थे जैसा कि 200 साल पहले एक फेमस सेलर जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक उन्होंने किया था। तो बेसिकली वो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो की गई जर्नी थी उसको डुप्लीकेट करना चाहते थे। तो नैरेटर और उसकी जो वाइफ है उन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस किया था, उन्होंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया था, उन्होंने बहुत सालों तक बहुत सारी जर्नी की थी ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, और एक सेलर को जो स्किल्स और टेक्निक्स चाहिए होता है उसको भी उन्होंने इम्प्रूव किया था। तो उन्होंने बहुत सारे जर्नी किए थे, उसके बाद वो लोग इस वॉयज के लिए, इस जर्नी के लिए तैयार हुए थे। तो अपनी इस जर्नी के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल शिप बनवाया था जो कि 23 मीटर लॉन्ग था। तो आप ये याद रखना, 30 टन हैवी वुडन हल्ड कॉल्ड वेव वॉकर। तो उसका वेट 30 टन था और उस शिप का नाम था वेव वॉकर। तो ये सब कुछ आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो उनको कई महीने लगे थे इस शिप को टेस्ट करने में, रफेस्ट वेदर में उन्होंने इस शिप को टेस्ट करा था, उसके बाद जाकर उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। यानी कि बहुत सारी प्रैक्टिस, मेहनत, स्किल्स बिल्ड करने के बाद उन्होंने इस वॉयज को स्टार्ट किया था, इस जर्नी को स्टार्ट किया था। तो जो इनिशियल फेज था जर्नी का, यानी कि प्लाईमाउथ से केप टाउन तक, वो बहुत अच्छे से चला गया, यानी कि अच्छे से उन्होंने कम्प्लीट किया। तो उन्होंने प्लाईमाउथ से केप टाउन तक का जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और फिर वो लोग केप टाउन पहुँचे।
तो वहाँ पर नैरेटर ने दो सेलर्स को हायर किया था, दो प्रोफेशनल सेलर को हायर किया था ताकि वो लोग उनकी मदद कर सके सदर्न इंडियन ओशन में। तो फ्रेंड्स, सदर्न इंडियन ओशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ओशन होता है और वहाँ पर जर्नी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए नैरेटर ने दो सेलर्स को हायर किया था, दो प्रोफेशनल सेलर्स को हायर किया था ताकि वो उनकी मदद कर सके। उनका नाम था लैरी विगल जो कि अमेरिकन थे और हर्ब सिगलर जो कि एक स्विस थे। तो केप टाउन में दूसरे दिन उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड फेस करना पड़ा जो कि कई हफ्तों तक चली। तो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड थी ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था बल्कि उसका जो वेव्स था वो 15 मीटर हाई था जो कि शिप का जो मास्ट होता है उसके हाइट का था। तो इस चीज़ ने नैरेटर को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। तो 25 दिसंबर तक उन्होंने 3500 किलोमीटर ट्रैवल किया था और वो लोग अभी केप टाउन के ईस्ट में थे। तो बैड वेदर के बावजूद भी उन्होंने क्रिसमस एक साथ मनाया, सेलिब्रेट किया। तो क्रिसमस के दिन जैसा वेदर कंडीशन था, यानी कि ख़राब वेदर था, वो न्यू ईयर तक ऐसा ही चला और उन्होंने होप किया कि जल्द ही शायद वेदर का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाए और जो वेदर है वो ठीक हो जाए। तो जनवरी 2 की सुबह उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समुद्र की लहर थी, एक बहुत ही बड़ा वेव था। उनकी जो शिप थी वो 8 नॉट के स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। तो नॉट जो है वो एक यूनिट होता है जो कि 1 नॉटिकल माइल पर आवर के इक्वल होता है और ये शिप एयरक्राफ्ट और विंड के स्पीड को चेक करने के लिए ये यूनिट यूज़ किया जाता है। तो जब उनकी शिप जो है वो सेल कर रही थी तो उन्होंने अपने सामने बहुत बड़े समुद्र को देखा और जो लहरों की और स्ट्रॉन्ग विंड्स की जो नॉइज़ थी वो कानों के लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल थी और उन्होंने अपने शिप के जिप को गिरा दिया। जिप जो है वो एक कपड़ा होता है जो कि मास्ट के साइड में लगा होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो उन्होंने जिप को गिरा दिया ताकि वो शिप के स्पीड को कम कर सके और उन्होंने सभी चीज़ों को डबल रैप कर दिया, यानी कि उन्होंने सभी चीज़ों को डबल डबल रस्सियों से बांध दिया और उन्होंने ऑयल स्किन्स लाइफ जैकेट वगैरह पहन लिया। तो ऑयल स्किन्स जो है वो एक हेवी कॉटन क्लोथ होता है और वो उसमें तेल वगैरह लगा हुआ होता है और वो वाटरप्रूफ होता है और उन्होंने लाइफ जैकेट वगैरह सब पहन लिया। 1 बजे के करीब यानी कि अराउंड 6 PM चारों तरफ जो है साइलेंस फैल जाता है, चारों तरफ शांति फैली हुई होती है और ये इंडिकेट करता है कि एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, यानी कि ये तूफान से आने की पहले की शांति रहती है। तो जो विंड है वो अचानक से रुक जाती है और सारा आसमान जो है वो काला हो जाता है, पूरा आसमान जो है वो बादलों से ढक जाता है और ऑथर जो है वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा क्लाउड जो है वो उनकी तरफ आ रहा है, उनकी शिप की तरफ आ रहा है। और बाद में जो नैरेटर है वो रियलाइज़ करते हैं कि वो कोई क्लाउड नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र का लहर था, एक बहुत ही बड़ा वेव था और वो जो वेव था वो पूरा वर्टिकल था, यानी कि उनके शिप से पूरा वर्टिकल था और वो जो वेव था वो पहले वाले वेव के दुगना हाइट का था। तो जो तूफान है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और जो नैरेटर है वो देखते हैं कि जो वेव है वो एकदम शिप के सामने आ जाता है। तो वो सोचते हैं कि शायद ये वेव हमें उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो जैसे ही वेव का सारा पानी है वो शिप के ऊपर गिरता है, तो जैसे ही वो सारा का सारा जो पानी है वेव का वो शिप के ऊपर गिरता है तो जो नैरेटर है वो समुद्र में गिर जाते हैं और उनका जो हेड है वो शिप के व्हील से टकरा जाता है और उनका जो सर है वो फट जाता है और वो समुद्र की लहरों में डूब रहे होते हैं। तो उस टाइम पर जो ऑथर है, जो नैरेटर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो मरने वाले हैं और उन्होंने कॉन्शियसनेस खो दिया था और वो डूब रहे थे समुद्र की लहरों में कि तभी उनका जो सर है वो पानी से बाहर आ जाता है। तो वो देखते हैं कि जो वेव वॉकर था उसका जो मास्ट था वो बिल्कुल अपराइट हो गया था और जो शिप था वो डूबने वाला था कि तभी एक लहर आती है और वो शिप को एकदम सीधा कर देती है।
तो जब वो देखते हैं कि शिप जो है वो सीधा हो गया है, तो वो शिप का जो गार्ड रेल्स है उसको पकड़ के शिप के पास चले जाते हैं, शिप के ऊपर चले जाते हैं। तभी एक और वेव आती है और वो ऑथर को टॉस करती हुई उनको डेक पर लेकर चली जाती है। तो जब वेव उनको टॉस करती है तो उनका जो रिब्स है वो क्रैक हो जाता है और उनका जो माउथ है वो पूरा ब्लड से भर जाता है, उनका दांत जो है वो टूट जाता है। तो इसके बावजूद भी जो नैरेटर है उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने शिप के विल को किसी तरह खोजा और उन्होंने पूरे शिप को अपने कंट्रोल में लिया। उन्होंने देखा कि सामने से एक और लहर आ रही है तो उन्होंने शिप को अपने कंट्रोल में लिया और वेट किया कि वो लहर का सामना कर सके। इसके साथ ही जो नैरेटर है वो देखते हैं कि चारों तरफ पानी था और शिप में पानी जो है वो भर रहा था और अगर शिप में पानी भर गया तो शिप जो है वो डूब जाएगा। और जो नैरेटर है वो शिप को कंट्रोल कर रहे थे तो वो विल को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे कि सडनली जो फ्रंट डोर है उसको खोलकर नैरेटर की वाइफ मैरी चिल्लाते हुए आती है और वो कहती है कि हम लोग डूब रहे हैं, हमारा जो डेक है वो पूरी पानी से भर गया है। तो जो नैरेटर है वो विल को अपनी वाइफ को पकड़ाकर भाग कर जाते हैं डेक की तरफ। वो जाकर देखते हैं कि लैरी और हर्ब जो है वो पागलों की तरह पानी को पंप करके बाहर निकाल रहे थे और जो शिप का टिम्बर था वो बुरी तरह से टूट चुका था और जो स्टारबोर्ड था, स्टारबोर्ड जो है वो शिप का साइड वाला पोर्शन होता है, तो वो टूट कर डूब चुका था और जो क्लोथ्स थे, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन, टॉयस, वो सभी पानी में फ्लोट कर रहे थे। तो अब नैरेटर जो है वो स्विम करते हुए, इतना पानी था तो वो स्विम करते हुए अपने बच्चों के केबिन में जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो लोग ठीक हैं। तो जो बच्चे हैं वो रिप्लाई करते हैं यस। तो नैरेटर की जो डॉटर थी जिसका नाम था सुजैन, उसके सर पर एक बहुत चोट लगी थी गहरी, जिसकी वजह से उसका जो सर है उस पर एक बहुत ही बड़ा बम्प बन गया था, यानी कि उसका जो सर है वो फूल गया था। तो नैरेटर ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी इस समय उनको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो नैरेटर को स्क्रू हैमर और कैनवस जो है वो एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक होता है जिसे तिरपाल कहते हैं, वो उनको मिल जाता है। तो वो भागकर लेकर आते हैं उसको डेक की तरफ और फिर वो जो ब्रोकन स्टारबोर्ड था वहाँ पर वो उसको लगाते हैं ताकि ज़्यादा पानी एंटर ना कर सके। तो जो ब्रोकन स्टारबोर्ड था, स्टारबोर्ड यानी कि शिप के साइड वाला पोर्शन जो कि टूट चुका था और वहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा था, तो नैरेटर को उसको भी फिक्स करना था नहीं तो जो शिप है वो डूब जाएगा। तो किसी तरह से समहाउ जो नैरेटर है वो कैनवस के कपड़े को लगा देते हैं जिसकी वजह से जो होल्स थे वो बंद हो गए थे। तभी उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाता है, जो हैंडपम्प था जिससे वो लोग पानी को पम्प करके बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो जाता है और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट उसमें हो जाता है। तो चारों तरफ पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा था और जो नैरेटर है वो जाते हैं और उनको मेन रूम से दो हैंडपम्प मिल जाते हैं और चार्टर रूम से एक इलेक्ट्रिक पंप भी मिल जाता है जिसको वो बाहर के पाइप से कनेक्ट करते हैं तो वो चलने लगता है। तो उनकी पूरी रात जो है वो पानी को पंप करके बाहर निकालने में, स्टीयरिंग को संभालने में और कंटिन्यूसली रेडियो पर वर्क करने में निकल जाता है। यानी कि वो लोग कंटिन्यूसली रेडियो से ट्राई कर रहे थे कि कोई सिग्नल मिल जाए और वो लोग कॉन्टैक्ट कर पाए, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में थे। सुजैन जिसका हेड जो है वो और भी ज़्यादा स्वॉलन हो गया था, उसकी आंखें जो है वो काली हो गई थी और उसका जो आर्म है उसमें भी उसको चोट लगी थी। तो जब उसके फादर ने उससे पूछा कि उसने अपनी इंजरीज के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि वो उन्हें बताकर उनको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उस समय उनको बचाने में लगे हुए थे इसलिए। तो 3 जनवरी की सुबह को उन्होंने देखा कि पानी का जो लेवल है वो कंट्रोल में है तो अब वो लोग 2 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी भी वाटर लाइन में कहीं पर लीकेज था और जिसको उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह लगाकर रोक रखा था और शिप का हालत इतना ख़राब था और इस ख़राब शिप को लेकर जाना ऑस्ट्रेलिया तक ये पॉसिबल नहीं था, यानी कि अब वो इस शिप के साथ ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकते थे। तो नैरेटर ने चार्ट्स को चेक किया और उन्होंने कैलकुलेट किया, तब उनको पता चला कि पास ही में ईस्ट की तरफ 2 आइलैंड्स हैं और उनमें से एक था एल एम्स्टर्डम जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। तो अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह से इस आइलैंड को खोज कर वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब विंड और सी जो है वो इनके शिप को और ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए क्योंकि शिप का जो ऑक्सिलरी इंजन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था।
तो 4 जनवरी को 36 आवर कंटिन्यूअस पंपिंग करने के बाद जो पानी का लेवल है वो कुछ सेंटीमीटर्स तक आ गया, लेकिन अभी भी उनको पंपिंग जो है वो जारी रखना था क्योंकि पानी जो है वो अंदर आ रहा था। तो अभी तक उनकी जो शिप थी वो मास्ट पर चल रही थी, उन्होंने जिप को गिरा दिया था। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि वो जिप को उठा देते हैं और उनकी जो शिप है वो स्मॉल आइलैंड्स की तरफ सेल करने लगती है। तो पूरे 2 दिनों के बाद वो लोग अपना मील जो है वो खाते हैं। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर बिस्किट मिल जाते हैं जिसको वो लोग खाते हैं। तो उनका जो रेस्ट करने का टाइम था वो बहुत ही कम समय के लिए था क्योंकि वो 4 बजे देखते हैं कि पूरा आसमान जो है वो काले बादलों से ढक जाता है, जो विंड है वो 40 नॉट की स्पीड से बह रहा था और जो सी था वो बहुत ज़्यादा ही डरावना दिख रहा था। और 5 जनवरी की सुबह तक जो वेदर का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो जो नैरेटर है वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए जाते हैं, तब उनका जो सन है वो उनसे पूछता है कि क्या अब वो लोग मरने वाले हैं। तो इस पर जो नैरेटर है वो उसको एश्योर करते हुए कहते हैं कि नहीं, वो लोग कर लेंगे, वो किसी भी तरह आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। तो इस पर जो उनका सन है वो रिप्लाई करता है कि दे वेर नॉट अफ्रेड टू डाई टिल दे ऑल वेर टुगेदर, यानी कि वो लोग मरने से नहीं डरते अगर वो लोग एक साथ हैं। तो इस चीज़ ने नैरेटर के अंदर ज़्यादा डिटर्मिनेशन ला दिया और वो अब फाइट बैक करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए शिप का जो साइड वाला पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा ही वीक हो गया था उसको ठीक करने में। और उस इवनिंग नैरेटर और उसकी वाइफ जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहते हैं और उनको लग रहा था कि अब उनका जो एंड है वो नियर है। तो अब क्या होता है कि बहुत बड़ा स्टॉर्म नहीं आता और धीरे धीरे जो विंड का स्पीड है वो कम होने लगता है। तो 6 जनवरी की सुबह तक जो विंड का स्पीड है वो बहुत कम हो जाता है और अब नैरेटर जो है वो आइलैंड का डायरेक्शन खोजने लग, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आइलैंड को खोजने लगते हैं। तो जब नैरेटर आइलैंड को खोज रहे होते हैं तभी उनकी डॉटर सू यानी कि सुजैन वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही पेन में थी क्योंकि उसका जो हेड था वो स्वॉलन हो चुका था और उसकी जो आँखें थी वो धस चुकी थी, काली हो चुकी थी और उसके आर्म में चोट लगी होती है। तो वो अपने फादर को एक कार्ड देती है जो कि उसने खुद बनाया होता है, उसमें उसने अपने फैमिली के अपने पेरेंट्स के कार्टून पिक्चर बनाए होते हैं और उसमें लिखा होता है और उसमें उसने लिखा होता है उनके बारे में कि वो लोग बहुत ही फनी पीपल है और वो उसे हंसाते रहते हैं और वो लिखती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है और वो उनको थैंक्स कहती है। तो इस चीज़ ने नैरेटर के अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला दिया और नैरेटर ने अब ठान लिया कि वो आइलैंड को खोज कर रहेंगे। तो नैरेटर जो है वो कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन करने लगते हैं और वो अपने कैलकुलेशन को चेक फिर रीचेक करते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनका जो कॉम्पास है वो ख़राब हो जाता है। तो 2 बजे नैरेटर जो है वो डेक पर जाते हैं और वो कहते हैं कि वो विल को 185 डिग्री पर घुमा दे और अगर वो लोग लक्की हुए तो 5 बजे तक उन्हें आइलैंड जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद जो नैरेटर है वो नीचे जाकर आराम करने लगते हैं और आराम करते करते नैरेटर को नींद आ जाती है। तो नैरेटर जो है वो 6 बजे उठते हैं और वो बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर अंधेरा रहता है। तो नैरेटर ये सब कुछ देखकर वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया और वो बहुत ज़्यादा ही घबराने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अब अगर कोई स्टॉर्म आया तो वो उसको फेस कैसे करेंगे क्योंकि उनका जो शिप है वो अब ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता सेल भी नहीं कर सकता। तभी उनका जो सन है वो आता है और वो कहता है कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, और उसके पीछे पीछे उनकी बेटी भी आती है। तो इस पर जो नैरेटर है वो पूछते हैं कि वो लोग उन्हें क्यों हग कर रहे हैं। तो इस पर उनका जो सन है वो रिप्लाई करता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी है और वो कहता है कि आप बेस्ट कैप्टन भी हो। तो इस पर जो नैरेटर है वो कहता है कि ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया हूँ, बताओ बात क्या है। तो इस पर जो सू है यानी कि सुजैन वो उन्हें बताती है कि उनको आइलैंड जो है वो मिल गया है और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो नैरेटर दौड़ के डेक की तरफ जाते हैं और वो राहत की सांस लेते हैं। उनको सामने एल एम्स्टर्डम दिखाई दे रहा था, वो आइलैंड।
वो एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक रॉक था जिसमें बहुत ही कम वेजिटेशन था और वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था। तो वो लोग अपनी शिप को आइलैंड के किनारे लेकर जाते हैं और 28 इनहैबिटेंट्स एम्स्टर्डम आइलैंड के आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो जब नैरेटर अपना पैर आइलैंड के जमीन पर रखते हैं तो उन्हें अपने वाइफ की याद आती है, उन्हें अपने दो क्रूमैन की याद आती है। वो अपने 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर के बारे में सोचते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजोर हो गई थी। उसे 6 माइनर ऑपरेशंस करवाने पड़े थे अपने हेड से वो ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए। और वो अपने बेटे के बारे में सोचते हैं जो कि कभी मरने से नहीं डरता था।